हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम अगेन दिस वीडियो इज़ फॉर सेवेंथ स्टैंडर्ड स्टूडेंट एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दी चैप्टर नंबर फोर्टीन नेक्स्ट टॉपिक विंड हैज़ स्पीड एंड डायरेक्शन सो स्टूडेंट्स ओपन यू बुक सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था विंड के डायरेक्शंस कि नॉर्थ पोल से पोलर विन्स आते हैं और नॉर्थ ईस्ट स्ट्रीट वेंस किधर से किधर मूव करते हैं यह हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था यहाँ पर कुछ चीज़ें अंडरलाइन भी करवाई थी आपके टीचर ने ना हो आज की क्लास में हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे सो so, इस मैप में हमने देखा था कि इंडियन ओशियस में क्या होता है समर के टाइम पर जो मूवमेंट ऑफ एयर होता है वो इस डायरेक्शन में होता है आंटर के टाइम पर इस डायरेक्शन में होता है तो डायरेक्शन क्या होती है पूरी की पूरी अपोजिट हो जाती है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि विन हैज़ डायरेक्शन विन हैज़ डायरेक्शन येस द डायरेक्शन ऑफ द विन कैन बी डेक्टेड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल विदर वेन तो विदर वेन इंस्ट्रूमेंट का एक मैम ने इमेज आपको लास्ट क्लास की में दिखाया था कि विदर वेन दिखता कैसा है ठीक है इसे विंड वेन और विदर कॉक भी कहते हैं ठीक है और ये नॉर्मली आपको जब आप ट्रैवल करेंगे कहीं पे बाय रोड तो ये चीज़ें आपको नॉर्मली दिख जाएगी ये स्ट्रोबेन का यूज़ क्या है ये डायरेक्शन ऑफ विंड बताता है नाउ द नेक्स्ट पॉइंट पी पार्ट इज विंड हैज़ स्पीड तो आप सबको पता है विंड की स्पीड होती है ऑफ़कोर्स नॉर्मल टाइम पे क्या होता है जब बहुत तेज़ समर सीजन में तेज़ हवा चलती है तो हम कुछ भी चीज़ें रखते हैं वो क्या होती है एक जगह से दूसरी जगह पे ईजली मूव कर जाती है लाइट वेटेड थिंग्स और जब हवा कम होती है तो कपड़े भी छत से नहीं उड़ते राइट तो सबको पता है विंड की स्पीड भी होती है डायरेक्शन भी होता है द स्पीड ऑफ विंड कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एनीमोमीटर अंडरलाइन दिस पार्ट एनीमोमीटर विंड की स्पीड मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं एनीमोमीटर और अ विंड गॉज अंडरलाइन दिस पार्ट तो यहाँ पे आपके फिगर नंबर फोर्टीन पॉइंट थ्री में दिया हुआ है एनीमोमीटर कैसा दिखता है आपका ऐसा दिखता है बिल्कुल और ये आपको बहुत सारी जगह पे लगा हुआ दिख जाएगा मेनली इट कंसिस्ट ऑफ थ्री और फोर स्मॉल होलो मेटेलिक कप्स माउंटेड सिमेट्रिकली ऑन द आर्म्स दैट स्पिन अराउंड अ वर्टिकल पोल ठीक है तो यहाँ पे ये पोल लगा हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे स्मॉल होलो मेटिकल कप्स है जब विंड हवा आएगी तो ये क्या होगा ये तेज से मूव करेगा यहाँ पे हवा लगेगी और ये तेज से मूव करता रहेगा और जिससे हमें पता चलता है कि विंड की स्पीड क्या है ठीक है नाउ नेक्स्ट पेरा द विंडगजर्ट अ ग्रेटर फोर्स ऑन द साइड सरफेस ऑफ द कप्स कंपेयर टू द आउटसाइड ठीक है तो क्योंकि यहाँ पे कप है कप के अंदर स्पेस है हॉलो स्पेस है हॉलो कप है राइट right? तो जब भी कोई कप ऐसे होता है तो उसके विंड कहाँ जाते हैं इसके अंदर जाएगी तभी इस पर प्रेशर पड़ेगा और ये क्या करेगा गोल 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 मूव करेगा और इसकी स्पीड से और इसके मूवमेंट से ही हमें पता चलेगा कि विंड की स्पीड क्या है ठीक है तो यहाँ पे वही बात कही गई है द विंड एग्जर्ट अ ग्रेटर फोर्स ऑन द साइड सरफेस ऑफ द कप कंपेयर टू दउथ दिस कॉज इज द रोटेशन ऑफ कप विच इज डायरेक्टली लिंक टू द विंग स्पीड ठीक है अब रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा और इससे द फास्टर द वेन द फास्टर कप रोटेट जितनी तेज़ हवा होगी उतनी तेज़ ये जो कप होगा ये पूरा रोटेट करेगा अपनी जगह पे ठीक है अगर हवा धीमी होगी तो ये धीमे 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 धीमे, धीमे 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 रोटेट करेगा ठीक है अगर हवा तेज़ होती जाएगी तो ये वैसे ही तेज़ होता जाएगा तो ये एक तरीका है विंड की स्पीड मेज़र करने का और ये नॉर्मली मोस्टली जगहों पे प्रेजेंट होता है तो जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप देखेंगे ठीक है द फास्टर द विंड स्पीड द फास्टर द कप रोटेट अ डायल प्रेजेंट एट द बेस रिकॉर्ड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाई द कप इन अ गिवन टाइम पीरियड इट इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ द विंड तो यहाँ पे डायल प्रेजेंट होता है ठीक है एक इंस्ट्रूमेंट है जो लगा होता है जिससे पता चलता है शो करता है कि कि विंड की स्पीड कितनी हो रही है जितना तेजी मूव करेगा वहाँ पे रिकॉर्डिंग होती रहती है ठीक है डायल में और वहाँ पे पता चल जाता है कि स्पीड्स कितनी है उसको चेक करके बाय नंबर बाय काउंटिंग नाउ हाई स्पीड विन्स क्रिएट लो एयर प्रेशर इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं कैसे होगा अब हाई स्पीड विंड्स क्रिएट लो एयर प्रेशर जितनी ज़्यादा हाई स्पीड होगी विंड की प्रेशर हमारा कितना होगा लो एयर प्रेशर क्रिएट करेगा तो यहाँ पे क्या है फास्ट फ्लोइंग विंड क्रिएट अ रीज़न ऑफ लो प्रेशर नाउ देयर इज अ प्रैक्टिकल टास्क नंबर सिक्स प्रैक्टिकल टास्क नंबर सिक्स का ए पार्ट यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कैसे लो एयर एयर प्रेशर और हाई एयर प्रेशर को चेक करता है ठीक है तो गोल क्या है गोल टू प्रूव दैट हाई स्पीड विन्स कॉस लो एयर प्रेशर यू विल नीड क्या क्या चाहिए इसके लिए हमें इस प्रैक्टिकल टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए एक स्टिक थ्रेड टू बलून्स ऑफ सेम साइज़ एंड सम वाटर नाउ मैथड स्टेप नंबर फर्स्ट टेक टू बलून फिल ईच ऑफ दैम विद लिटिल वॉटर दिस इज डन टू मेक दैम स्टेबल एंड लिटिल हैवी ठीक है हमें दो बलून लेना है उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और दोनों बलून में क्या होना चाहिए सेम अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कि इसमें आपने इतना कर दिया इसमें आप इतना ही रखेंगे दोनों बलून में आपको क्या करना है सेम अमाउंट ऑफ वाटर रखना है नाओ नेक्स्ट स्टेप स्टेप नंबर टू नाउ फिल एयर इन बोथ बलून एंड देयर माउथ प्रॉपरली दोनों में आपको क्या करना है थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट ऑफ़ वाटर आपने फिल किया यहाँ तक आफ्टर दैट इसमें आप क्या फिल करेंगे एयर ठीक है एयर भरने के बाद और एक थ्रेड से फिर यहाँ पे क्या करेंगे आप टाइड अप कर देंगे और ऐसा नहीं है कि अनइक्वल एयर भरनी है दोनों बलून में आप इक्वल अमाउंट ऑफ एयर फिल करेंगे नाउ वॉट इज दिस स्टेप नंबर हैंग बोथ द बलून ऑन द स्टिक यूजिंग थ्रेड एट डिस्टेंस ऑफ टेन सेंटीमीटर तो आपने ये स्टिक ली ठीक है अब ऐसा नहीं है कि आप एक बलून को इस जगह टांगेंगे एक दूसरे को इस जगह टांग देंगे दोनों का क्या होगा एक डिस्टेंस होगा प्रॉपर जस्ट लाइक कि आपके स्टिक अगर इतनी बड़ी है तो आप अगर यहाँ से फाइव सेंटीमीटर का गैप छोड़ेंगे तो यहाँ से भी आप फाइव सेंटीमीटर का गैप पे यहाँ पे एक बलून लगाएंगे और यहाँ पे एक बलून हैंग कर देंगे ठीक है तो एक काउंटिंग के साथ जब हम प्रैक्टिकल टास्क परफॉर्म करते हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो भी क्या आता है परफेक्ट आता है लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी यहाँ पर डिस्टेंस या वन सेंटीमीटर का भी गैप इधर उधर कर दिया हमने तो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा ठीक है तो यहाँ पे दिया हुआ है हैंग बोथ द बलून्स ऑन द स्टिक यूजिंग थ्रेड एट अ डिस्टेंस ऑफ टेन सेंटीमीटर तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों स्टिक का यहाँ का भी डिस्टेंस क्या है सेम है और दोनों के बीच का गैप क्या है टेन सेंटीमीटर है तो टेन सेंटीमीटर का दोनों का गैप होना चाहिए और जो साइड में हमारा स्पेस रहेगा वो भी क्या होगा दोनों तरफ का सेम होगा ठीक है तो यहाँ पे क्या दिया है टू इन्फ्लेटेड बलून्स कंटेनिंग अ लिटिल वाटर हैंगिंग फ्रॉम आ स्टिक नाओ नेक्स्ट स्टेप स्टेप नंबर फोर नाओ होल्ड द स्टिक विथ बोथ हैंड्स एंड ब्लो एयर विथ फोर्स फ्रॉम योर माउथ इन गैप बिटवीन द टू बलून्स एंड अब्जॉर्व तो आप क्या कर रहे हैं ऐसे ही जैसे यहाँ पर एक आपकी तरह एक स्टूडेंट कर रहा है क्या कर रहा है ये दोनों स्टिक को पकड़ रखा है और बीच में सेम अमाउंट ऑफ एयर ब्लो कर रहा है वेन एयर और वन इज़ ब्लो इन द स्पेस बिटवीन टू बलून्स दे कम क्लोजअप ठीक है दोनों के बीच में जब एयर ब्लो होगी तो दोनों का दोनों क्या होंगे आप पास में आ जाएंगे तो वॉट हैपन्स बोथ द बलून्स कम क्लोजर ऑन ब्लोइंग एयर नाउ यू नो वेन विन ब्लोज एट हाई स्पीड देन द प्रेशर इज रिड्यूस ठीक है दोनों आस पास हो जाएंगे उसका मतलब क्या है इस प्रैक्टिकल टास्क को करने का हमारा मोटिव क्या है आपको पता चलता है इससे वेन विन ब्लोज एट हाई स्पीड द एयर प्रेशर इज रिड्यूस्ड नाउ प्रैक्टिकल टास्क नंबर सिक्स गोल क्या है प्रैक्टिकल टास्क नंबर सिक्स का टू डिमोन्स्ट्रेट दैट हाई स्पीड विन इज ए कंपनीड बाय लो एयर प्रेशर ठीक है इस प्रैक्टिकल टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए यू विल नीड

तो पे देखेंगे यहां पे आपने ये पेपर बॉल बना लिया इसको बॉटल के नेक तक नाउ स्टेप नंबर थ्री ब्लो एयर इनटू द बॉटल फ्रॉम योर माउथ इन सच अ वे दैट इट फोर्सेस द बॉल टू गो इनसाइड द वाटर एंड ऑब्जर्व ठीक है तो आपको क्या करना है इस बॉटल में आप लोगों को पेपर बॉल इसके बॉटल के नेक तक ही रखनी है ठीक है उसके बाद क्या करनी है इसमें फूक मारनी है हवा डालनी है इससे क्या होगा वॉट हैपन्स द पेपर बॉल डज नॉट गो इनसाइड द बॉटल नाउ यू नो हाई स्पीड वेन इज ए बाय लो एयर प्रेशर ठीक है तो ये जो पेपर बॉल होगी बॉटल के नेक पे ही अटकी रहेगी इससे हमें पता चलता है कि हाई स्पीड वेन इज अकम्पलीड बाय लो एयर प्रेशर तो वेरी सिंपल टास्क है प्रैक्टिकल टास्क है नाउ प्रैक्टिकल टास्क नंबर इन दिस प्रैक्टिकल टास्क आर गोल इज टू टेस्ट दैट हाई स्पीड विंड क्रिएट लो एयर प्रेशर हमें इसके लिए क्या चाहिए एक पेपर स्ट्रिप चाहिए ये तो आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं आप लोग वीडियो देखने के बाद परफॉर्म कर लीजिएगा मेथड क्या है होल्ड द पेपर स्ट्रिप इन योर माउथ देन ब्लो एयर ओवर इट एंड ऑब्जॉर्व आपको क्या करना है इसको होल्ड करना है अपने माउथ पे पेपर स्ट्रिप को और इसमें क्या करनी है हवा ब्लो करनी है ठीक है अपने माउथ से वॉट हैपन द पेपर स्ट्रिप गेट लिफ्ट जब आप इसमें अपना एयर माउथ से ब्लो करेंगे तो ये क्या होगी लिफ्टेड हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है ऐसा क्यों होता है दिस इज बिकॉज ऑन ब्लोइंग एयर ओवर द पेपर स्ट्रिप लो एयर प्रेशर इज क्रिएटेड एज द एयर प्रेशर बिलो द पेपर स्ट्रिप इज हाई ठीक है तो जब आप इसमें फूक मारेंगे तो नीचे लो एयर प्रेशर होगा और उसके ऊपर क्या होगा नीचे का एयर प्रेशर क्या होगा हाई होगा और ऊपर साइड पे लो एयर प्रेशर होगा इट पुशेज द पेपर स्ट्रिप अवर्ड देयर बाय लिफ्टिंग इट ठीक है नाउ यू नो हाई स्पीड विंड लो एयर प्रेशर इससे हमें पता चलता है कि high speed winds है कि हाई स्पीड विंड्स जो वो क्या करती हैं लो एयर प्रेशर क्रिएट करती हैं नाउ नेक्स्ट टॉपिक इफेक्ट ऑफ लो एयर प्रेशर ऑफ विंड लो एयर प्रेशर ऑफ विंड का क्या क्या इफेक्ट होता है ड्यू टू फास्ट ब्लोइंग विंड द रूप ऑफ हट्स हथ गुन्स मेट आर शीट्स गेट ब्लोन अवे जब बहुत तेज़ हवा चलती है समर सीजन में या रेनी सीजन में आप लोग देखेंगे जब आंधी तूफान आता है तो जहाँ पे टीन के शीट्स लगी होती हैं जिनके घर पे लगी हुई है जिनके रूम्स में लगी है जिनके गोडाउन में लगी है वो क्या होती है प्रेशर बनने से नीचे क्या होती है हाई स्पीड होती है विंड तो ऊपर साइड चल रही है ना घर के बाहर और टीन ऐसे लगी होती है घर पे और हमारा जो होता है ये टीन क्या होती है नीचे से जब हाई प्रेशर होता है तो ये ऊपर की तरफ उठने लगती है ठीक है ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पे टीन लगा हुआ है वहाँ पे आंधी तूफान के टाइम पे तो आप लोग रहोगे नहीं जिनके घर में टीन लगी हुई है वो अच्छे से जानते हैं राइट दिस इज सो बिकॉज हाई स्पीड विन क्रिएट लो एयर प्रेशर ओवर द रूफ ठीक है हाई स्पीड विन क्या करेगी रूफ के ऊपर मतलब कि टीन शेड के ऊपर साइड पे लो एयर प्रेशर क्रिएट करेगी लेकिन नीचे से हाई प्रेशर हो जाएगा एज अ रिजल्ट द हाई एयर प्रेशर बिलो द रूफ एग्जैक्ट मोर फोर्स ड्यू टू विच द रूफ गेट लिफ्टेड एंड इज ब्लोन अवे ड्यूरिंग स्ट्रोम्स इन कोस्टल एरियाज़ एंड अदर प्लेसेस ठीक है तो जब भी आप लोग देखेंगे आंधी तूफान आता है बाढ़ आता है कोस्टल एरियाज़ में तो वहाँ पे क्या होता है जो रूफ़ होता है उसका जो टीन का शेड होता है वो क्या होता है उड़ के दूर चला जाता है या हट जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊपर साइड से जो प्रेशर होता है वो क्या होता है लो होता है और नीचे साइड से जो प्रेशर होता है वो हाई होता है इसलिए ऐसा होता है तो यहाँ पे आपके एक डायग्राम दिया है जो शो कर रहा है तो इस डायग्राम को एक बार देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ये नॉर्मल सा ऐसे जनरली एक घर बना रखा ये है ये टीन का शेड है ठीक है तो हाई स्पिन वेन इधर से आ रही है और लो एयर प्रेशर होगा ठीक है तो हाई एयर प्रेशर जो नीचे से जाएगा जिसके कारण ये जो टीन शेड होगा ये क्या होगा उड़ने लगेगा हवा में उठने लगेगा या उड़ के दूर चला जाएगा तो सिंपल सी बात है जिसने अपने डे टू डे लाइफ में ये एग्ज़ाम्पल देखा हुआ है ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है जो अक्सर होता है अगर हमारे आस की जगहों पर टीन लगी हुई है या हमारे छतों में कभी टीन लगी रहती है तो आप लोग देखेंगे जब आधी तूफान आता है तो ये टीन भी क्या होती है उड़ने लगती है और हवा में आवाज़ आती है उड़ने लगती है थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में तो दिस फिगर शोज दैट लो एयर प्रेशर अब द रूफ मेक इट ब्लो ऑफ ठीक है नाउ हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे उ द सेकेंड पॉइंट इज द इफेक्ट ऑफ लो एयर प्रेशर ऑफ विंड इज यूटिलाइज इन द फ्लाइंग ऑफ एन एरोप्लेन ठीक है द इफेक्ट ऑफ लो प्रेशर ऑफ विंड इज यूटिलाइज इन फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन तो एरोप्लेन जब फ्लाई होता है तो सेम प्रिंसिपल वहां पर भी यूज होता है द विंगस ऑफ एरोप्लेन आर डिजाइन इन सच अ वे दैट द एयर अब दैम मूव फास्ट दे आर बाय क्रिएटिंग लो प्रेशर ठीक है तो जो ऊपर साइड से जो उसकी हवा होती है वो कैसी होती है ज़्यादा तेज मूव करती है जिसके कारण दैट क्रिएट लो प्रेशर द एयर प्रेशर बिलो द विंग्स इज हाई ठीक है एयर प्रेशर जस्ट लाइक आपने सभी ने प्लेन देखा होगा प्लेन ऐसा होता है राइट उसके विंग्स होते हैं जो नीचे साइड से इसका प्रेशर लगेगा वो कैसा होगा हाई होगा और जिसके आसपास ऊपर से प्रेशर होगा वो कैसा होगा लो होगा जिसके कारण एज आई रिजल्ट द हाई एयर प्रेशर बिलो द विंग्स पुशेस और लिव द प्लेन एंड मेक इट फ्लाई ठीक है इसके कारण क्या होता है हमारा जो प्लेन होता है वो ईजली फ्लाई कर पाता है और एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाता है तो सिंपल सी बात इसे बस आपको समझना है और जिसके घर में तीन शेड है जिसने देखा हुआ है उसके आउटडोर पे टीन शेड है और आंधी तूफ़ान के टाइम पे तो उसको उड़ते हुए देखा है तो वो अच्छे से समझ जाएगा इस एग्जांपल से कि हमारा जो एयरप्लेन है और सारी चीज़ें हैं वो कैसे हवा में इतने अच्छे से मूव कर लेती हैं और बैलेंस बना रहता है ठीक है तो हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर का वहाँ पर सारा प्रिंसिपल यूज अप होता है नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद यहाँ पर चेक योर प्रोग्रेस का एक पार्ट है जिसको आपको क्या करना है इस पार्ट को आपको अपने आप से करना है चेक योर प्रोग्रेस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विन हैज स्पीड एंड डायरेक्शन ट्रू और फॉल्स दिस इज वेरी इजी वेरी 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 इजी क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर टू हाई स्पीड वेन्स आर अ बाय कंप्लीट दिस सेंटेंस ओके स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इजी दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी हैं आप लोग इसे कंप्लीट करिए इवन फटाफट वीडियो देखते देखते कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए इन दोनों के आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है इन समर विंटर इन बोथ सीजन द मॉनसून विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी क्या होता है आप बताइए क्वेश्चन नंबर फोर विच काइंड ऑफ विंड ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल कैसे विंड्स के कारण हैवी रेनफॉल होता है हमारे यहाँ या अदर सिटीज़ में क्वेश्चन नंबर फाइव द परमानेंट विन्स आर कॉल्ड डैश वेंस परमानेंट विन्स क्या कहलाते हैं तो ये जो फ़िलिंदा ब्लैंक्स है और ये सारे क्वेश्चन आपको चारों क्वेश्चन पांचों क्वेश्चन आपको होमवर्क है आप लोग होमवर्क में करिए इसे ठीक है और जो इजी है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फाइव आप अपनी कॉपी में करेंगे बाकी ये जो तीनों क्वेश्चन है ये आप लोग नॉर्मली ऐसे ही बुक में कर लेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आप लोग बुक में ही करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर एंड फाइव आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे ठीक है और फटाफट फड़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इन तीनों का आंसर बाकी स्टूडेंट्स आप लोग को सिंपली जितने भी नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे हैं फिर से मैं एक बार बता दूं आप लोग जब कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो अपना नेम जरूर मेंशन करेंगे वहाँ पे नेम ज़रूर मेंशन करना है आपको अपने क्लास और सेक्शन के साथ जिससे मैं आपको पता चलता रहे कि कौन एक्टिवली वीडियो को देख रहा है कौन अच्छे से घर पर रह कर के पढ़ाई कर रहा है ठीक है आफ्टर दिस आप लोग जब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे नेम मेंशन करेंगे और अगर आपका कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है तो एक ऑप्शन है आपके पास कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सेकेंड ऑप्शन क्या है आप लोग क्या कर सकते हैं स्कूल ऐप सीको ऐप के थ्रू अपने टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं तो अगर आपको किसी टॉपिक में कन्फ्यूज़न है या कोई चीज़ नहीं समझ में आई एक बार आप उसको खुद से रीड करिए वीडियो को दो बार ही देखिए फिर भी नहीं आ रहा है तो आप एक बार टीचर से अपने बोल सकते हैं मैं फिर से रिपीट उसको कर दूंगी ठीक है साइंस के अंदर वैसे आज के जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं आज सारे टॉपिक्स ईजी थे इवन इंटरेस्टिंग थे कि हमें आज पता चला कि प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल बेस्ड एयरप्लेन हवा में उड़ता है तो ये सारे प्रिंसिपल्स आज हमने पढ़े हैं और ये सारे चेक और प्रोग्रेस के सभी क्वेश्चन आपको कहाँ पे करने हैं अपनी कॉपी में कंप्लीट करने हैं सो so स्टूडेंट आज की क्लास यहीं पे एंड होती है इसके बाद नेचुरल डिजास्टर का टॉपिक हम कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है नेचुरल डिज़ास्टर जब भी बाढ़ आती है आंधी तूफान आता है साइक्लोन आता है टॉर्नेडो होते हैं तो हमारे अर्थ में कैसे कैसे ये चीज़ें क्रिएट होती हैं और इससे क्या क्या हार्मफुल होता है कैसे कैसे ये नुकसान करती हैं नॉर्मल चीज़ों का वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर यही सारी चीज़ें आती हैं सो so, अच्छी क्लास यहीं पे एंड होती है थैंक यू